हेलो गाइस, दिस इज मी फूडी ब्रोस। वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद आ रहा है ब्लॉग और मैं हूँ अभी ब्रंच के घर। तो ब्रंच वाई कर रहे हैं अपना वॉच चार्ज। इनको हमेशा मतलब जाने के टाइम याद आता है अपने वॉच के बारे में। तो गाइस, आज हम किधर जा रहे हैं ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ये आपके लिए भी सरप्राइज है और हमारे लिए भी सरप्राइज है, क्योंकि एक हमारा भाई है बंदा राहुल भाई, वो लेके जा रहा है हमें। तो चलिए, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और अगर आप सब हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पूरा देख के जाना। गाइस देख सकते हो यार, कितना धूप हो रहा है। गाइस अभी हम आ गए हैं इधर दीपू गैरेज में और अभी हमारा भास्कर भाई का जो कम हो रहा नहीं है ना गाइस, उसका लगाम खींचना है। आई मीन इसका चेन टाइट करना है गाइस, देख सकते हो। तो गाइस, अभी सारे शेर इकट्ठा हो चुके हैं और अपने अपने बाइक के साथ तैयार हैं, मतलब कम्मो रानी के साथ। तो गाइस, सब अपना अपना बाइक स्टार्ट करते हैं और हम भी अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो सारे शेर अपने अपने बाइक में चल दिए डुडुमा वाटरफॉल की तरफ। तो हाँ गाइस, हम कहीं भी नई जगह नहीं जा रहे हैं, हम वही पुराना घिसा पिटा डुडुमा वाटरफॉल ही जा रहे हैं। पर गाइस, जगह चाहे पुराना हो पर जोश हमेशा नया ही होता है हमारा। तो रास्ता देख सकते हो गाइस, ये रास्ते को देख के बाइक चलाने का मज़ा आया है, जोश हमारा दोगुना कर दिया। पर सिमलीगुड़ा में जैसे हम पहुँचे गाइस, इधर का ट्रैफिक तो आप सबको पता ही है, ट्रैफिक के चलते हमारा बहुत टाइम लॉस हो गया। पर हम जैसे तैसे करके वो ट्रैफिक से निकल गए और हम चल दिए नंदपुर की तरफ, नंदपुर वाला रोड पकड़ के। तो गाइस, नंदपुर का रोड तो एकदम मक्खन जैसा था गाइस, गाड़ी एकदम 80-90 के स्पीड से निकल रहा था। ये वाला क्लिप काटना पड़ेगा लगता है, वरना मम्मी डैडी की 80-90 स्पीड में जा रहा था सुन के। तो गाइस, फिर भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था गाइस। वैसे भी रोड एकदम मक्खन की तरह, बाइक एकदम मक्खन की तरह, एक्सपीरियंस एकदम मक्खन की तरह। ऐसे इसलिए मक्खन लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद आज वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। ये बीच में बोलना ज़रूरी था, वरना आप लोग करते कहाँ हो सब्सक्राइब। कंजूस मत बनो यार, कर दो, अभी तक नहीं किया, करो करो जल्दी करो। तो आप लोग को घुमा के हम पहुँच गए नंदपुर, और नंदपुर का क्या सीन देख रहे हो गाइस, देख रहे हो आपके भाई ने शूट किया है अपने फ़ोन से। तो गाइस, जैसे ही नंदपुर आता है एकदम हम श्योर हो जाते हैं और थोड़ा ही रास्ता बाकी है। अभी इधर से अभी ये वाला राइट टर्न लेना है हमें हमारे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। तो गाइस, अभी हमें डेस्टिनेशन का पता तो चल गया है, पर आपको मैं नाम नहीं बताऊंगा और उधर जाके आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा। तो अभी थोड़ा चुड़ मारने गाइस, अभी 30 किलोमीटर तक तो आ गया, अभी और 40 जाना है। सॉरी, चलता है। तो गाइस, बीच बीच में ये वीडियो में मेरा चेहरा घुसाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप पहचानते नहीं। तो गाइस, रास्ता देख सकते हो, एक के बाद एक अच्छे से अच्छे रास्ते आते जा रहे थे और लोग हमें घूरते जा रहे थे, क्योंकि वो जगह उनके लिए कॉमन था और हमारे लिए स्पेशल। कहाँ से आए हैं ये जंगली, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं सोचेंगे, अच्छे खास सज सज के गए थे गाइस। तो रास्ता जैसे ही आगे बढ़ रहा था, हम डुडुमा की ओर बढ़ते जा रहे थे, तो हमारा पेशेंस लेवल बहुत ही डाउन जा रहा था, क्योंकि अंधेरा हो रहा था गाइस, फ़ोटो अच्छा नहीं आएगा तो जाके क्या ही फ़ायदा। जैसे ही हम उधर पहुंचे, हमें अच्छा खासा स्वागत किया इधर के बंदरों ने, देख सकते हो क्योंकि हमसे डर गए थे ना गाइस, उनसे बड़े वाले जो आ गए थे। तो देख सकते हो गाइस, गेट के अंदर हम जैसे ही एंट्री करते हैं, उधर एक बंदा दिख जाता है जो कि हमें गौर से देखता है, शायद किडनैप विडनैप करने की कोशिश में था, पर हम बच गए और हम बच के उधर से निकलते हैं आगे और अपना गाड़ी पार्क करते हैं और चल देते हैं डुडुमा वाटरफॉल की तरफ सीढ़िया उतरते हुए। मैं सरप्राइज सरप्राइज बोलकर लेकर आ गए राहुल भाई माचकुड़ में। तो हम इधर पहले भी आ चुके हैं, पर अभी दूसरी बार तीसरी बार लगता है मेरा, हाँ तीसरी बार है गाइस, तो तीसरी बार है, पर जोश एकदम नया है गाइस। मतलब अभी सीढ़ी उतर रहा हूँ, फिर जाके पहुँच जाएंगे। अभी देखो लाइटिंग थोड़ी सी खराब हो चुकी होगी क्योंकि गाइस मतलब अभी शाम हो चुका है, देखकर मैं कर। जयंती सुविधा करो,
पहाड़ों में आओ मैगी खाओ पहाड़ों में।